प्यारे बच्चों, आप सभी लॉकडाउन के कारण अपने अपने घरों में हैं। ऐसे समय में हम लेकर आए हैं आपके लिए डिजी साथ कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपने अपने कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड। नमस्कार दोस्तों, आप सबका झारखंड सरकार के डिजी साथ प्रोग्राम में स्वागत है। आइए देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे। तो हम एपिसोड की शुरुआत में 10वीं कक्षा में पढ़ेंगे गणित का अध्याय त्रिभुज। हम इस अध्याय का चौथा भाग देखेंगे आज और फिर उन पर आधारित कुछ प्रश्नों को भी जानेंगे। साथ ही हम 10वीं कक्षा में पढ़ेंगे हिंदी का चैप्टर एक कहानी, यह भी। इसी प्रकार से हम 12वीं कक्षा में पढ़ेंगे गणित का चैप्टर एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स। हम इस चैप्टर का दूसरा भाग देखेंगे आज और फिर उन पर आधारित कुछ प्रश्नों को भी जानेंगे। साथ ही हम 12वीं कक्षा के फिजिक्स में पढ़ेंगे अध्याय विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। हम इस अध्याय का पहला भाग देखेंगे आज और फिर उन पर आधारित कुछ प्रश्नों को भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना प्रोग्राम डिजी साथ। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं त्रिभुज, जो आपकी गणित के किताब का छठा अध्याय है। त्रिभुज के 3 वीडियोस आप लोग देख चुके होंगे। आज हम देखेंगे चौथा वीडियो, यानी कि पार्ट 4। इसमें हम पढ़ेंगे समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल, जिसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रमेय हम सीखेंगे। तो प्रमेय है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो प्रमेय से आपको क्या समझ में आ रहा है कि प्रमेय में क्या चीज दिया हुआ है? प्रमेय में ये दिया हुआ है कि जो त्रिभुज हैं दो, वो समरूप हैं, और हमें सिद्ध करना है कि इन दो त्रिभुजों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर है। तो आपको स्टेप्स याद होंगे कि किस तरीके से हम स्टेप वाइज करते हैं प्रमेय को सिद्ध। तो पहला स्टेप क्या होता है? पहले स्टेप में हम लिखते हैं कि दिया क्या है। तो इस प्रश्न में हमें दिया है दो त्रिभुज एबीसी तथा पीक्यूआर, जो कि आपस में समरूप है, यानी त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पीक्यूआर की। और हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर है AB बटे PQ का वर्ग बराबर BC बटे QR का वर्ग बराबर AC बटे PR का वर्ग। तीसरा स्टेप क्या होता है? तीसरे स्टेप में हम ये देखते हैं कि क्या हमें किसी रचना की आवश्यकता है। अगर है तो हम वो रचना करते हैं। तो यहाँ इस प्रमेय में भी हमें रचना की आवश्यकता है। तो चलिए देखते हैं वो रचना क्या है। रचना है, हमें त्रिभुज ABC में AM लंब खींचना है BC पर। इसी प्रकार त्रिभुज PQR में हमें PN लंब खींचना है QR। तो ये होगी रचना। अब हम चलते हैं त्रिभुज को सिद्ध करने। त्रिभुज में चाहिए क्या? दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात। तो पहले दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर है 1/2 गुने में AM, जो कि इसकी ऊंचाई है, गुने में BC, जो इसका आधार है। इसी प्रकार त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुने में PN, जो कि ऊंचाई है त्रिभुज PQR का, गुने में QR, जो आधार है। अब हम दोनों त्रिभुजों का अनुपात निकालते हैं। तो अनुपात क्या हो जाएगा? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 गुने में AM गुने में BC, जो कि इससे पिछली स्लाइड में हमने देखा कि त्रिभुज का एरिया था। इसी प्रकार त्रिभुज PQR के क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुने में PN गुने में QR। अब
1/2 अंश और हर में उभयनिष्ठ है। इसको हम काट देंगे यानी कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास बचेगा AM गुने में BC बटे में BN गुने में QR। अब ABC की बात करें और PQR की बात करें तो AM और PN इसकी भुजाएं नहीं है, तो हमें AM और PN को यहां से हटाना है। और हटाने के लिए हमें ऐसे त्रिभुज लेने होंगे जिसमें AM तथा PN आता। इसीलिए हम त्रिभुज ABM तथा त्रिभुज PQM कंसीडर करेंगे। इन दोनों त्रिभुज की अगर हम बात करें तो इसमें कोण B बराबर है कोण Q के। क्यों? क्योंकि त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR के समरूप है और समरूप त्रिभुजों की संगत कोण बराबर होते हैं। इसी प्रकार कोण M जो है वो बराबर होगा कोण N के। क्यों? क्योंकि रचना हमने कुछ इस प्रकार किया है कि कोण M और कोण N 90 डिग्री के बराबर है। तो क्योंकि दोनों त्रिभुजों में दो कोण बराबर हैं, इसलिए त्रिभुज ABM समरूप है त्रिभुज PQN के कोण कोण समरूपता कसौटी से। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, तो हम लिख सकते हैं कि AM बटे PN बराबर है AB बटे PQ के। क्यों? क्योंकि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं का अनुपात जो है वो बराबर होता है। इसी प्रकार इसको हम नाम देंगे समीकरण 2 का। क्योंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, ये हमें प्रमेय में दिया हुआ है पहले से, तो हम लिख सकते हैं कि AB बटे PQ बराबर है BC बटे QR बराबर है AC बटे PR के। क्योंकि अगर दोनों त्रिभुज समरूप हैं, तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। इसको देते हैं हम समीकरण 3 नाम। अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर होगा AM गुने में AB, हमने BC को AB से रिप्लेस कर दिया, बटे में PN गुने PQ, हमने QR को PQ से रिप्लेस कर दिया 1 और 3 से। इसी प्रकार अब क्योंकि AM बटे PN बराबर है AB बटे PQ के, इसीलिए यहां पे हम लिख सकते हैं कि AB गुने में AB बटे है PQ गुने PQ के। अब AB गुने AB क्या होता है? AB का वर्ग। इसी प्रकार PQ गुने PQ होगा PQ का वर्ग, यानी ये आ जाएगा AB बटे PQ का होल वर्ग। अब 3 का प्रयोग अगर हम करें तो समीकरण 3 से हमारे पास त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर आएगा AB बटे PQ का वर्ग बराबर BC बटे QR का वर्ग बराबर AC बटे PR का वर्ग। इसी के साथ ये थ्योरम समाप्त होता है। इसको आप लोग अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए और इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए, क्योंकि ये प्रमेय एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हम एक उदाहरण करेंगे जहां पर इस प्रमेय का प्रयोग होगा। तो उदाहरण है, मान लीजिए त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के और इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर वर्ग और 121 सेंटीमीटर वर्ग है। यदि EF बराबर 15.4 सेंटीमीटर हो तो BC ज्ञात कीजिए। तो चलिए हल देखते हैं इसका। प्रश्न में हमें दिया क्या है? दिया है दो त्रिभुज ABC और DEF जो कि समरूप है, तथा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर वर्ग दिया है। इसी तरह त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल हमें 121 सेंटीमीटर वर्ग दिया हुआ है। साथ ही EF भुजा की लंबाई 15.4 सेंटीमीटर है। अब हमें BC भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। इसके लिए अगर हम एरिया वाला प्रमेय का प्रयोग करें जो हमने अभी किया है, तो उससे हमें प्राप्त होगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर BC बटे EF का वर्ग। अब हमें यहाँ पर जो चार चीजें हैं, उनमें से 3 का मान ज्ञात है।
तो हम चौथे का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो बाकी तीन का मान है क्या? तो तीन का मान ये दिया हुआ है प्रश्न में, तो चलिए हम रिप्लेस करते हैं यानी प्रतिस्थापित करते हैं। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 64 वर्ग सेंटीमीटर, इसी प्रकार त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल 121 सेंटीमीटर वर्ग बराबर में बीसी बटे में ईएफ की लंबाई कितनी है? 15.4 सेंटीमीटर। तो ये लिखा हमने। अब हम दोनों तरफ वर्गमूल करेंगे, तो वर्गमूल करने से हमें क्या प्राप्त होगा? 8 सेंटीमीटर बटे में 11 सेंटीमीटर बराबर बीसी बटे में 15.4 सेंटीमीटर। और अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो बीसी बराबर आएगा 8 सेंटीमीटर गुने 15.4 सेंटीमीटर बटे में 11 सेंटीमीटर। इसको अगर हम आगे हल करें तो हमें बीसी की लंबाई 11.2 सेंटीमीटर प्राप्त होता है। इसी के साथ ये प्रश्न समाप्त होता है और ये वीडियो भी समाप्त होती है। इस वीडियो में हमने सीखा समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल, जिसमें थ्योरम जो था, जो प्रमेय है, उसका कंक्लूजन ये निकलता है कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज पीक्यूआर का क्षेत्रफल बराबर होगा एबी बटे पीक्यू का वर्ग बराबर बीसी बटे क्यूआर का वर्ग बराबर एसी बटे पीआर का वर्ग। तो ये एक और इम्पोर्टेंट प्रमेय था इस चैप्टर का जो हमने इस वीडियो में किया। अगली वीडियो में हम एक और इम्पोर्टेंट प्रमेय करेंगे जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय आप लोगों ने 6th क्लास से पढ़ना शुरू कर दिया होगा। इसका हम एक स्टेटमेंट पढ़ते हैं, याद है आप लोगों को? स्टेटमेंट कहता है कि कर्ण का जो वर्ग है बराबर होता है आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। तो ये एक स्टेटमेंट है जिसको हम अपनी अगली वीडियो में सिद्ध करेंगे, और आप जान पाएंगे कि जिस प्रमेय का प्रयोग आप 6th क्लास से करते हुए आए हैं वो प्रमेय आखिर आया कहां से। तब तक आप लोग एनसीईआरटी किताब के अध्याय 6 के प्रश्नों का हल कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम मन्नू भंडारी द्वारा रचित एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है एक कहानी यह भी। यह पाठ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है, साथ ही आत्मकथा के क्षेत्र में अपने आप में एक नायाब और अहम भूमिका रखता है यह पाठ जिसका नाम है एक कहानी यह भी। आइए जानते हैं कि आज के इस वीडियो में हम क्या कुछ पढ़ने वाले हैं। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम मन्नू भंडारी का परिचय प्राप्त करेंगे, जानेंगे कि मन्नू भंडारी कौन है, साथ ही हम आत्मकथा के विषय में कुछ जानकारी अर्जित करेंगे, यानी आत्मकथा किसे कहते हैं और आत्मकथा का उद्देश्य क्या होता है इत्यादि। इसके बाद हम हमारे पाठ एक कहानी यह भी का प्रसंग जानेंगे। प्रसंग जानते हुए हम कुछ पाठ्य वस्तु की व्याख्या करने का प्रयास करेंगे, यानी पाठ को समझने का प्रयास करेंगे। तैयार हैं आप सभी? आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। स्क्रीन पर जिस महिला का चित्र आप देख रहे हैं उनका नाम है मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी ही इस पाठ की लेखिका भी है। ये हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण कथाकार हैं। इनका जन्म 1931 में हुआ था। अपने इस पाठ में ही उन्होंने बताया है कि उनका जन्म कहां हुआ था और उनका बचपन कहां बीता। जब हम इस पाठ को पढ़ेंगे तो इनके जीवन के बारे में और भी बहुत सी बातें जानेंगे। मुख्य तौर पर इनका जन्म
मध्य प्रदेश के जिला मंदसौर में हुआ था। इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के मिरांडा हाउस कॉलेज में अध्यापन किया, तत्पश्चात वहीं से सेवानिवृत्ति प्राप्त की। अब यह दिल्ली में रहकर ही स्वतंत्र लेखन कर रही हैं और बहुत सी कथाओं को नए पंख दे रही हैं। आइए जानते हैं हम इनकी रचनाओं और रचना शैली के बारे में। मन्नू भंडारी ने बहुत सी रचनाएं लिखी हैं और निरंतर लिख रही हैं। इनके कहानी संग्रह में एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, यही सच है, त्रिशंकु बहुत ही प्रसिद्ध हैं। साथ ही इन्होंने बहुत से उपन्यास भी लिखे हैं, जिसमें आपका बंटी और महाभोज बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास हैं। वही लेखिका बहुत से फिल्मों और टीवी के धारावाहिकों की पटकथाएं भी लिखती रही है। आइए अब हम लेखिका की रचना शैली के बारे में बात करते हैं। लेखिका की रचना शैली बहुत ही आम और सहज है। लेखिका मन्नू भंडारी की रचनाओं में स्त्री मन से जुड़ी अनुभूतियों की अभिव्यक्ति देखने को मिलती है, यानी एक स्त्री क्या सोचती है इस संसार के बारे में और क्या चाहिए उसे इस दुनिया से, इन सभी बातों के अभिव्यक्ति करती है मन्नू भंडारी की कलम। मन्नू भंडारी की रचनाओं में भाषा और शिल्प के स्तर पर बहुत ही सादगी देखने को मिलती है, यानी एक बहुत ही सादगी से इन्होंने अपनी सभी कहानियों को व्यक्त किया है। इनकी रचनाओं में प्रामाणिक अनुभूति देखने को मिलती है, यानी अनुभूति की प्रामाणिकता इनकी रचनाओं का मूल केंद्र बिंदु है। प्रस्तुत आत्मकथा एक कहानी यह भी में हम इन प्रामाणिक अनुभूतियों का अनुभव करेंगे। साथ ही इनकी रचना शैली खड़ी बोली हिंदी और उर्दू के कुछ शब्दों से युक्त है। आइए अब हम जानते हैं आत्मकथा होती क्या है। आत्मकथा दो शब्दों के योग से बना है। आत्म का अर्थ होता है अपनी और कथा का अर्थ होता है कहानी। इस प्रकार आत्मकथा का अर्थ हुआ अपनी कहानी। आत्मकथा वह विधा है जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपनी कहानी पाठकों तक पहुंचाता है। आत्मकथा में जीवन की घटनाओं का क्रमबद्ध वर्णन किया जाता है, यानी कोई व्यक्ति जो किसी आत्मकथा को लिख रहा है वो उस आत्मकथा में अपने जीवन की घटनाओं को क्रमबद्ध यानी सिलसिलेवार तरीके से प्रस्तुत करता है। वहीं रचना में रचनाकार के व्यक्तिगत विचार होते हैं, क्योंकि आत्मकथा व्यक्ति स्वयं लिखता है, इसीलिए उसके विचार रचना में प्रधान होते हैं। रचना प्रामाणिक स्वरचित जीवन वृत्त के रूप में प्रसिद्ध है, यानी कोई भी आत्मकथा प्रामाणिक जीवन वृत्त होता है। क्यों? क्योंकि वह व्यक्ति स्वयं अपने बारे में लिख रहा होता है। आइए अब हम मन्नू भंडारी द्वारा रचित आत्मकथा एक कहानी यह भी का प्रसंग जानते हैं। मन्नू भंडारी की आत्मकथा का यह पाठ एक कहानी यह भी 2008 में प्रकाशित हुआ। इस आत्मकथा में लेखिका ने अपने जीवन के विशेष पहलुओं को स्थान दिया है। जिस प्रकार सभी रचनाकार अपने जीवन के हर महत्वपूर्ण पहलुओं को उजागर करते हैं, लेखिका ने वैसा नहीं किया है। लेखिका ने मात्र उन अंशों को इस आत्मकथा में स्थान दिया है जिसने उसकी रचना शैली और उसके व्यक्तित्व को प्रभावित किया। लेखिका की यह आत्मकथा बहुत ही प्रामाणिक है। क्यों प्रामाणिक है? क्योंकि जब हम इस रचना को पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि लेखिका ने कितने बेबाक तरीके से अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। लेखिका का स्वयं का व्यक्तित्व इस रचना में उभर कर सामने आता है। आइए अब हम शुरू करते हैं पाठ एक कहानी यह भी। पाठ शुरू करने से पहले कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जानना नितांत आवश्यक है। पहला शब्द है निहायत। निहायत का अर्थ होता है पूरी तरह से। व्यक्तित्व विहीन। व्यक्तित्व विहीन का अर्थ होता है बिना व्यक्तित्व के। ओहदा यानी पद, बेहद यानी बहुत, और अहमवादी यानी घमंडी।
ये घमंड एक अलग प्रकार का है, यानी स्वयं को महत्व देना अहमवादी सिद्धांत कहलाता है। आइए अब हम इस अनुच्छेद का अर्थ जानते हैं। लेखिका बताती है कि लेखिका का जन्म मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में हुआ था, लेकिन लेखिका की यादों का सिलसिला शुरू होता है अजमेर के ब्रह्मापुरी मोहल्ले के उस दो मंजिला मकान से, जिसकी ऊपरी मंजिल में पिताजी का साम्राज्य था, यानी लेखिका की जिसकी ऊपरी मंजिल में लेखिका के पिताजी का साम्राज्य था, जहां वे निहायत ही अव्यवस्थित ढंग से फैली बिखरी पुस्तकों और पत्रिकाओं अखबारों के बीच या तो कुछ पढ़ते रहते या फिर डिक्टेशन देते रहते। अब डिक्टेशन क्या होता है? जब हम किसी चीज को लिखवाने के लिए बोलते हैं तो उसे डिक्टेशन कहते हैं। हिंदी में इसे श्रुत लेख भी कहा जाता है। और नीचे के मंजिल में लेखिका अपने सब भाई बहनों के साथ रहती थी, साथ ही उनकी बेपढ़ी लिखी माँ भी उनके साथ रहती थी। लेखिका बताती है कि उनकी माँ बहुत ही व्यक्तित्व विहीन थी। क्यों? क्योंकि सवेरे से शाम तक वो लेखिका और उसके भाई बहनों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए, साथ ही पिताजी की आज्ञा को पालन करने के लिए सदैव तत्पर रहती थी। यहाँ पर लेखिका अब अपने पिता के व्यक्तित्व के बारे में बताने जा रही है। लेखिका बताती है कि अजमेर से पहले पिताजी इंदौर में थे, जहां उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी, सम्मान था, नाम था। कांग्रेस के साथ साथ वे समाज सुधार के कामों में भी जुड़े हुए थे, यानी लेखिका के जो पिता थे वो बहुत ही सामाजिक व्यक्ति थे। शिक्षा के भी केवल उपदेश ही नहीं देते थे, बल्कि 8-8 10-10 विद्यार्थियों को अपने घर रखकर पढ़ाया, जिनमें से कई तो बाद में ऊंचे ऊंचे ओहदे पर पहुंच गए। यहाँ पर आप देखेंगे जो लेखिका है उसके माँ का व्यक्तित्व उसके पिता से कितना भिन्न था। जहाँ एक ओर लेखिका की माँ का व्यक्तित्व था ही नहीं, वहीं उनके पिता का व्यक्तित्व एक आदर्श व्यक्तित्व के समान था। लेखिका बताती है कि ये जो वक्त था वो उनकी खुशहाली का दिन था, यानी लेखिका के पिता के उन दिनों दरिया दिली के चर्चे भी कम नहीं थे। एक ओर वे बेहद कोमल और संवेदनशील व्यक्ति थे तो दूसरी ओर बेहद क्रोधी और अहमवादी। देखिए यहाँ पर लेखिका ने अपने पिता के व्यक्तित्व का मूल्यांकन किया है और कितनी बेबाकी से किया है ये हम आगे जानेंगे। आइए जानते हैं कि आज की इस वीडियो में हमने क्या सीखा। आज की इस वीडियो में हमने जाना कि लेखिका मन्नू भंडारी कौन है, साथ ही आत्मकथा किसे कहते हैं, आत्मकथा किस विधा का नाम है वह भी हमने जाना, और लेखिका का बचपन कैसा था, बचपन की शुरुआत कैसी थी यह भी हमने जाना। विद्यार्थियों, मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा और शेष पाठ पढ़ने के लिए आप बहुत ही उत्सुक होंगे। अगली वीडियो को देखने के लिए आप शेष पाठ पढ़कर आए। पढ़ने के लिए आप अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 का इस्तेमाल करें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम अध्याय अपकलच के अनुप्रयोग का भाग 2 पढ़ने वाले हैं। हमने हमारे पिछली वीडियो में पढ़ा था अपकलच के अनुप्रयोग की भूमिका तथा राशियों के परिवर्तन की दर। आइए देखते हैं कि आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वर्धमान और ह्रासमान फलन, यानी कि इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हम हमारा आज का भाग। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि वर्धमान और ह्रासमान फलन होते क्या है। तो दोस्तों, इसे समझने के लिए हमने सबसे पहले एक रैखिक फलन का उदाहरण लिया है, जो कि है y बराबर x योग 1, जिसे हम लिख सकते हैं fx बराबर x योग 1। तो दोस्तों, जैसा कि आपने कक्षा 11वीं के गणित में पढ़ा होगा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जिसमें आपने पाया होगा कि हमें जो फॉर्म मिलती है वो होती है y बराबर mx योग c।
जहाँ पर M जो होता है वो होता है हमारा ढाल और C जो होता है वो होता है हमारा अंतःखंड, यानी कि ढाल अंतःखंड रूप से हमें हमारे इस रैखिक फलन का ढाल भी पता चल जाएगा और अंतःखंड भी पता चल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे इस फलन का ढाल है एक और हमारा अंतःखंड जो है वो है एक, जिसका जब हम ग्राफ बनाएंगे तो हमें कुछ इस प्रकार का ग्राफ मिलेगा जो कि दर्शा रहा होगा कि इस फलन का जो ढाल है वो एक है और जो इसका अंतःखंड है वो है एक। अब अगर आप इस ग्राफ को ध्यान से देखेंगे तो आपको प्राप्त होगा कि जैसे जैसे आप x का मान बढ़ाएंगे वैसे वैसे ही आपका fx का मान भी बढ़ेगा, यानी कि अगर x के बढ़ने पर fx भी बढ़ रहा है तो इस प्रकार के फलन को हम कहते हैं वर्धमान फलन, यानी कि इंक्रीजिंग फंक्शन। चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं ह्रासमान फलन की ओर। ह्रासमान फलन को समझने के लिए भी हमने जिस फलन का उदाहरण लिया है वो है y बराबर घटा x योग 8 के, जिसे हम लिख सकते हैं fx बराबर घटा x योग 8। तो दोस्तों यहाँ से भी हमें ढाल अंतःखंड रूप के द्वारा प्राप्त हो जाएगा कि इसका जो ढाल है वो है घटा 1 और जो अंतःखंड है वो है 8। जब हमारी ढाल घटा 1 होती है तो वो x के धनात्मक ओर से 135 डिग्री का कोण बनाती है, जिसका जब हम ग्राफ बनाएंगे तो हमें कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखकर समझ पा रहे होंगे कि जैसे जैसे आप x का मान बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपका fx का मान घटता जाएगा, यानी कि अगर किसी फलन में x के बढ़ने पर जब fx का मान घटता है तो इस प्रकार के फलन को हम कहते हैं ह्रासमान फलन। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी वर्धमान और ह्रासमान फलन के बारे में। आइए एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि हमने एक फलन लिया है sin x। तो दोस्तों जब आप sin x का ग्राफ बनाएंगे तो आपको कुछ इस प्रकार का ग्राफ प्राप्त होगा। क्या आप इस ग्राफ को देखकर बता सकते हैं कि sin x कहाँ पर बढ़ रहा है अर्थात वर्धमान हो रहा है और कहाँ पर घट रहा है अर्थात ह्रासमान हो रहा है? तो आइए देखते हैं। जब आप 0 से π/2 तक जाएंगे तो आपको वहाँ पर यह फलन बढ़ता हुआ नजर आएगा अर्थात वर्धमान फलन कहलाएगा तब ये। लेकिन जब आप π/2 से 3π/2 तक जाएंगे तो आपको यह फलन घटता हुआ दिखेगा। तो दोस्तों sin x जो है वो ना तो वर्धमान फलन है और ना ही ह्रासमान फलन है। लेकिन इस फलन में हमें ये ध्यान रखना होगा कि हम जो अंतराल की बात कर रहे हैं वो कहाँ से कहाँ तक है, क्योंकि अगर मैं आपसे यहाँ पर ये पूछूं कि 0 से π/2 तक क्या sin x वर्धमान है तो आपको जवाब देना होगा कि हाँ ये यहाँ पर वर्धमान फलन कहलाएगा। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं π/2 से 3π/2 तक की तो आपको वहां पर यह कहना होगा कि यह फलन ह्रासमान फलन है। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि 0 से 2π तक क्या यह फलन वर्धमान है या ह्रासमान है, तब आप कहेंगे कि ना तो ये फलन वर्धमान है और ना ही यह फलन ह्रासमान है। चलिए दोस्तों अब हम यह जानेंगे कि कब फलन वर्धमान होता है, कब फलन निरंतर वर्धमान होता है, कब फलन ह्रासमान होता है और कब फलन निरंतर ह्रासमान होता है। आइए देखते हैं। मान लीजिए वास्तविक मान फलन f के प्रांत में i एक अंतराल है, तब f अंतराल i में वर्धमान है यदि i में x2 बड़ा है x1 से, यानी कि f x1 छोटा होगा या बराबर होगा f x2 से, सभी x1, x2 i अंतराल के होंगे तब, यानी कि हम तब किसी फलन को वर्धमान कह सकते हैं जब f x2 बड़ा या बराबर होगा f ऑफ x1 के। इसी प्रकार से हम किसी फलन को निरंतर वर्धमान कह सकते हैं जब f x2 बड़ा होगा f x1 के, और इसी प्रकार से हम किसी फलन को ह्रासमान कह सकते हैं जब f(x1) बड़ा
या बराबर होगा f ऑफ x2 के, या फिर कोई भी फलन निरंतर ह्रासमान होगा जब f ऑफ x1 बड़ा होगा f ऑफ x2 से। तो दोस्तों, इन चारों स्थिति को आपको ध्यान में रखना होगा जिससे कि आप बता पाए कि दिया हुआ फलन वर्धमान है या निरंतर वर्धमान है, या ह्रासमान है या निरंतर ह्रासमान है। चलिए दोस्तों, अब हम यह जानेंगे कि इस अध्याय में हमें किस प्रकार के प्रश्न प्राप्त होंगे। तो दोस्तों, इस अध्याय में हमें जो पहले प्रकार का प्रश्न प्राप्त होगा वो होगा, सिद्ध कीजिए कि प्रदत्त फलन वर्धमान, निरंतर वर्धमान, ह्रासमान, निरंतर ह्रासमान है। यानी कि इस प्रकार के प्रश्न में हमें कहा जाएगा कि जो फलन हमें दिया गया है उसे सिद्ध कीजिए कि ये वर्धमान है या तो निरंतर वर्धमान है, या ह्रासमान है या निरंतर ह्रासमान है। और हमारा जो दूसरा प्रकार होगा प्रश्न का, वो होगा अंतराल याद कीजिए जिनमें से प्रदत्त फलन वर्धमान, निरंतर वर्धमान, ह्रासमान, निरंतर ह्रासमान है। यानी कि हमें कोई फलन दिया हुआ होगा जिसका कि हमें अंतराल ज्ञात करना होगा कि इस अंतराल में दिया गया फलन वर्धमान है या निरंतर वर्धमान है, या ह्रासमान है या निरंतर ह्रासमान है। चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं हमारे एक प्रमेय की ओर जिससे कि हम आसानी से बता पाएंगे कि हमारा जो दिया हुआ फलन है वो वर्धमान है या ह्रासमान है, या ना तो वर्धमान है और ना ह्रासमान फलन है। आइए देखते हैं उस प्रमेय को। प्रमेय है, मान लीजिए कि f अंतराल a, b पर संतत और विवृत अंतराल a, b पर अवकलनीय है, तब ab में f निरंतर वर्धमान है यदि प्रत्येक x a, b में है, जिसके लिए f'x बड़ा होगा शून्य से। यानी कि हमारा जो फलन होगा वो निरंतर वर्धमान तब कहलाएगा जब जो हमारा x होगा वो a, b का होगा, और जिसके लिए हमारा जो f'x होगा वो बड़ा होगा शून्य से। दूसरी स्थिति है, ab में f निरंतर ह्रासमान होगा यदि प्रत्येक x belongs to ab के लिए f'x छोटा होगा शून्य से। यानी कि कोई भी फलन हमारा निरंतर ह्रासमान तब होगा जब हमारा जो x होगा वो ab का होगा, और जिसके लिए हमारा जो f'x होगा वो शून्य से छोटा होगा। हमारी तीसरी स्थिति है, ab में f एक अचर फलन है यदि प्रत्येक x belongs to ab के लिए f'x बराबर शून्य है। यानी कि हमारा दिया हुआ फलन एक अचर फलन कहलाएगा जब हमारा जो x होगा ab का होगा, और जिसके लिए हमारा जो f'x होगा वो शून्य के बराबर होगा। तो दोस्तों, ये है हमारा एक प्रमेय जिसमें इन तीन स्थिति का आपको अच्छे से ध्यान रखना है ताकि आप आसानी से बता पाए कि दिया हुआ फलन कब निरंतर वर्धमान होगा, या कब निरंतर ह्रासमान होगा, या कब दिया हुआ फलन एक अचर फलन होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं हमारे कुछ उदाहरण की ओर। हमारा उदाहरण है, दिखाइए कि प्रदत्त फलन f fx बराबर x घन घटा 3 गुने x वर्ग योग 4x, जहां x r का होगा, उस पर निरंतर वर्धमान फलन है। यानी कि यहां पर हमें यह सिद्ध करना है कि दिया हुआ फलन निरंतर वर्धमान फलन है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि इस प्रकार के प्रश्न को हम किस प्रकार से हल करेंगे। हल में हम सबसे पहले यह लिखेंगे कि हमें दिया क्या गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें दिया गया है fx, जो कि बराबर है x घन घटा 3 गुने x वर्ग योग 4x। इसके बाद हम ज्ञात करेंगे f'x, क्योंकि निरंतर वर्धमान फलन बताने के लिए अभी अभी हमने प्रमेय में देखा था कि हमें यह सिद्ध करना होगा कि हमारा जो f'x है वो शून्य से बड़ा है। तो आइए देखते हैं f'x ज्ञात करके कि क्या हमारा f'x जो है वो शून्य से बड़ा है या नहीं। तो दोस्तों, यहाँ पर जब हम f'x ज्ञात करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 3 गुने x की घात 2 घटा 6 गुने x योग 4, जिसे हम लिख सकते हैं f'x बराबर 3 गुने x वर्ग घटा 2 गुने x योग 1 योग 1, जिससे कि हमें प्राप्त हो जाएगा f'x बराबर 3 गुने x घटा a का वर्ग योग 1। और जाहिर सी बात है कि ये जो हमारा f'x आ रहा है वो शून्य से बड़ा होगा। तो दोस्तों, चूंकि हमें यहाँ पर प्राप्त हो रहा है कि हमारा जो f'x है
वो शून्य से बड़ा है, तो हम यह कह सकते हैं कि सभी x belongs to R के लिए हमारा जो फलन है वो R पर निरंतर वर्धमान है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम सिद्ध करते हैं कि दिया हुआ फलन निरंतर वर्धमान है। चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले उदाहरण की ओर, जो कि है, सिद्ध कीजिए कि प्रदत्त फलन fx बराबर cos x 0, π में निरंतर ह्रासमान है, π, 2π में निरंतर वर्धमान है और 0, 2π में ना तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं इस प्रश्न के हल की ओर। तो दोस्तों, जो कि इस प्रश्न में कहा जा रहा है, इसे ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले ज्ञात करना होगा f'x। तो आइए सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे दिए गए फलन का अवकलज, यानी कि f'x। बढ़ते हैं इसके हल की ओर। यहाँ पर हमारा फलन हमें दिया गया है fx बराबर cos x। अब हम जब इसका अवकलज ज्ञात करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा f'x बराबर घटा sin x। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, शून्य से लेकर पाई तक हमारा जो sin x होगा वो शून्य से बड़ा होगा। तो यहाँ पर हम यह कह सकते हैं कि सभी x belongs to शून्य से लेकर पाई के लिए sin x शून्य से बड़ा है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो f'x होगा वो शून्य से छोटा होगा, क्योंकि हमारा जो f'x है वो घटा sin x है। यहाँ पर sin बदलेगा तो घटने का चिन्ह हो जाएगा, जिससे कि हमें प्राप्त हो जाएगा कि f'x जो है वो शून्य से छोटा है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हमारा दिया गया फलन शून्य से लेकर पाई में निरंतर ह्रासमान है। चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं इस प्रश्न के दूसरे भाग की ओर, जिसमें हमें सिद्ध करना है कि fx बराबर cos x पाई से लेकर 2π तक में निरंतर वर्धमान है। तो दोस्तों, यहाँ पर भी हमारा जो f'x हमने अभी ज्ञात किया था वो है घटा sin x। अब हमारा जो sin x होता है वो पाई से लेकर 2π तक में शून्य से छोटा होता है। तो दोस्तों, यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो f'x है वो शून्य से बड़ा है, और इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो दिया गया फलन है वो निरंतर वर्धमान है पाई से लेकर 2π तक में। चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं इस प्रश्न के तीसरे भाग की ओर, जिसमें हमें यह बताना है कि शून्य से लेकर 2π तक में ना तो हमारा दिया गया फलन वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है। इसे सिद्ध करने के लिए आपको थोड़ा ध्यान देना होगा यहाँ पर कि अभी हमने पहले भाग में यह सिद्ध किया है कि शून्य से लेकर पाई तक में हमारा फलन निरंतर ह्रासमान है, और पाई से लेकर 2π तक में हमारा जो फलन है वो निरंतर वर्धमान है। तो उपरोक्त ए और बी से स्पष्ट होता है कि शून्य से लेकर 2π तक में ना तो हमारा फलन वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम किसी फलन को किसी अंतराल में सिद्ध कर पाते हैं कि वो या तो निरंतर वर्धमान है या निरंतर ह्रासमान है, और ना तो वर्धमान और ना ही ह्रासमान है। चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले उदाहरण की ओर, जो कि है, अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें प्रदत्त फलन fx बराबर sin 3x x belongs to 0, π/2 में वर्धमान है, दूसरा ह्रासमान है। तो आइए दोस्तों, अब हम ये सीखते हैं कि किस प्रकार से हम अंतराल ज्ञात करेंगे कि दिया गया फलन कहाँ पर वर्धमान हो रहा है और कहाँ पर ह्रासमान हो रहा है। बढ़ते हैं इस प्रश्न के हल की ओर। हल में, जैसा कि आप सब जानते हैं, सबसे पहले हम दिए गए फलन को लिखते हैं। तो हमारा दिया गया फलन fx बराबर है sin 3x के। इसके बाद हम ज्ञात करेंगे इस फलन का अवकलज, अर्थात f'x ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों, हमारे इस दिए गए फलन का f'x आ जाएगा 3 × cos 3x। तो दोस्तों, ये आया है हमारा f'x। इसके बाद हम f'x को शून्य के बराबर करेंगे। जब हम इसे शून्य के बराबर करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 3 × cos 3x बराबर शून्य, यानी कि cos 3x बराबर शून्य। यहाँ से हमें प्राप्त हो रहा है 3x बराबर π/2 3π/2, जिससे कि हमें x प्राप्त हो रहा है π/6 π/2।
तो दोस्तों इस प्रकार से हम पहले x का मान प्राप्त करते हैं, उसके बाद हम यह कह सकते हैं कि हमारी जो बिंदु x बराबर पाई बटे 6 है वो अंतराल 0 से लेकर पाई बटे 2 को दो संयुक्त अंतरालों में विभाजित कर रहा है। पहला है 0, पाई बटे 6 और दूसरा है पाई बटे 6, पाई बटे 2। इसे हम संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 0, पाई बटे 6 और पाई बटे 2। इसके बाद दोस्तों हम इन सभी अंतरालों पर f'x के मान को ज्ञात करेंगे और फिर देखेंगे कि कहाँ पर हमारा जो फलन है वो वर्धमान है और कहाँ पर हमारा फलन ह्रासमान है। तो दोस्तों अंतराल 0, पाई बटे 6 के लिए हमारा जो f'x हमें प्राप्त हुआ है उसे प्रतिस्थापित करने के बाद हमें प्राप्त हो रहा है कि हमारा f'x 0, पाई बटे 6 के लिए 0 से बड़ा है और पाई बटे 6 से लेकर पाई बटे 2 के लिए हमारा f'x जो है वो 0 से छोटा है। तो दोस्तों यहाँ से हम यह कह सकते हैं कि अंतराल 0, पाई बटे 6 में हमारा जो फलन है वो निरंतर वर्धमान है और अंतराल पाई बटे 6, पाई बटे 2 में हमारा जो फलन है वो निरंतर ह्रासमान है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम अंतराल ज्ञात करते हैं और बताते हैं कि दिया गया फलन कहाँ पर वर्धमान है और कहाँ पर ह्रासमान है। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी वर्धमान और ह्रासमान फलन के बारे में। इस पर आधारित और भी प्रश्न आपको आपकी एनसीईआरटी पुस्तक में मिल जाएंगे जिन्हें आप जरूर हल करें। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने सीखा वर्धमान और ह्रासमान फलन। हम हमारी अगली वीडियो में जानेंगे स्पर्श रेखाएं और अभिलंब के बारे में। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इस पुस्तक का 11वां अध्याय शुरू करेंगे जिसका नाम है विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। आज इस वीडियो में हम इस अध्याय का पहला भाग समझेंगे। दोस्तों सूर्य से आने वाले प्रकाश को लेकर सबसे पहला कथन सर आइजैक न्यूटन ने दिया था। उनका कहना था कि सूर्य से आने वाला प्रकाश छोटे छोटे ऊर्जा के पैकेट के रूप में होता है जिसे क्वांटा कहा जाता है। इस कथन के अनुसार उन्होंने सूर्य से उत्पन्न होने वाली विकिरणों को कणों के रूप में माना था, किंतु बाद में एक अन्य वैज्ञानिक क्रिश्चियन हाइगेंस ने प्रकाश की प्रकृति को लेकर अपने कुछ अलग ही विचार रखे। उनका मानना था कि सूर्य से उत्पन्न विकिरण तरंगों के रूप में होते हैं जिसे बाद में यंग ने प्रायोगिक रूप से दर्शाया भी, और उनके इस कथन को समर्थन मिला जेम्स मैक्सवेल के वैद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज से। इसके बाद कई वर्षों तक प्रकाश को तरंग प्रकृति का ही माना जाने लगा, किंतु यह प्रश्न सभी के दिमाग में घूमता रहा कि प्रकाश की वास्तविक प्रकृति आखिर है क्या? क्या न्यूटन का कथन सत्य था या हाइगेंस का, जिसे बाद में दूर किया मशहूर वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने। उन्होंने पराबैंगनी किरणों द्वारा धातु से उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन के प्रयोग का अध्ययन कर यह बताया कि प्रकाश की दो प्रकृति होती हैं, तरंग तथा कणीय। दोस्तों हमारे आज के इस वीडियो में हम प्रकाश की इसी द्वैत प्रकृति के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि हमारे आज के इस वीडियो के विषय क्या हैं। दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो में हम जानेंगे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन और प्रकाश विद्युत प्रभाव को, यानी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो आइए शुरू करते हैं पहले विषय इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के साथ। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं
कि धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो उनकी चालकता के लिए उत्तरदायी होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन सामान्यतः धातु पृष्ठ से बाहर नहीं निकल सकते। यदि इलेक्ट्रॉन धातु से बाहर आते हैं तो इसका पृष्ठ धन आवेश प्राप्त कर लेता है और इलेक्ट्रॉनों को वापस धातु पर आकर्षित कर लेता है। इस प्रकार मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु के भीतर आयनों के आकर्षण बलों के द्वारा रोक कर रखे जाते हैं। सिर्फ वे इलेक्ट्रॉन जिनकी ऊर्जा इस आकर्षण को अभिभूत कर सके धातु पृष्ठ से बाहर आ पाते हैं। अतः इलेक्ट्रॉनों को धातु पृष्ठ से बाहर निकालने के लिए एक निश्चित न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस न्यूनतम ऊर्जा को धातु का कार्य फलन कहते हैं, जिसे साधारणतया फाई नॉट के द्वारा व्यक्त करते हैं और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापते हैं। दोस्तों, कार्य फलन धातु के गुणों और इसके पृष्ठ की प्रकृति पर निर्भर करता है। धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉनों को न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा किसी भी एक भौतिक विधि के द्वारा दी जा सकती है, जैसे कि सबसे पहली विधि है तापायनिक उत्सर्जन। उपयुक्त तापन के द्वारा मुक्त इलेक्ट्रॉनों को पर्याप्त तापीय ऊर्जा दी जा सकती है, जिससे कि वे धातु से बाहर आ सकें। इसके अतिरिक्त दूसरी विधि कहलाती है क्षेत्र उत्सर्जन। किसी धातु पर लगाया गया एक प्रबल विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रॉनों को धातु पृष्ठ के बाहर ला सकता है, जैसा कि किसी स्पार्क प्लग में होता है। और तीसरी विधि कहलाती है प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। इसके अंदर उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश जब किसी धातु पृष्ठ पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। ये प्रकाश जनित इलेक्ट्रॉन प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। आइए दोस्तों, अब जानते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव को हर्ट्ज के परीक्षण द्वारा। दोस्तों, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की परिघटना की खोज हेनरिच हर्ट्ज के द्वारा सन 1887 में वैद्युत चुंबकीय तरंगों के प्रयोग के समय की गई थी। स्फुलिंग विसर्जन यानी स्पार्क डिस्चार्ज के द्वारा वैद्युत चुंबकीय तरंगों की उत्पत्ति के अपने प्रायोगिक अन्वेषण में हर्ट्ज ने यह प्रेक्षित किया कि कैथोड को किसी आर्क लैंप से पराबैंगनी प्रकाश के द्वारा प्रदीप्त करने पर धातु इलेक्ट्रोडों के पार उच्च वोल्ट तक स्फुलिंग अधिक हो जाता है। धातु पृष्ठ पर चमकने वाला प्रकाश मुक्त आवेशित कणों, जिन्हें अब हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं, को स्वतंत्र करने में सहायता प्रदान करता है। जब धातु पृष्ठ पर प्रकाश पड़ता है तो पृष्ठ के समीप इलेक्ट्रॉन आपतित विकिरण से पदार्थ के पृष्ठ में धनात्मक आयनों के आकर्षण को पार करने के लिए ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। आपतित प्रकाश से आवश्यक ऊर्जा प्राप्त करने के पश्चात इलेक्ट्रॉन धातु पृष्ठ से बाहर परिवेश में आ जाते हैं। इसके बाद हॉलवॉक्स तथा लिनार्ड के कुछ और परीक्षण भी सामने आए। विल्हेम हॉलवॉक्स तथा फिलिप लिनार्ड ने सन 1886 से 1902 के बीच प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की परिघटना का अन्वेषण किया। दो इलेक्ट्रोडों वाली किसी निर्वातित कांच की नली में उत्सर्जक पट्टिका पर पराबैंगनी विकिरणों को आपतित करने पर लिनार्ड ने पाया कि परिपथ में धारा प्रवाह होता है। जैसे ही पराबैंगनी विकिरणों को रोका गया, वैसे ही धारा प्रवाह भी रुक गया। इन परीक्षणों से ज्ञात होता है कि जब पराबैंगनी विकिरण उत्सर्जक पट्टिका सी पर आपतित होते हैं, इलेक्ट्रॉन पट्टिका से बाहर आ जाते हैं तथा विद्युत क्षेत्र द्वारा धनात्मक संग्राहक पट्टिका ए की ओर आकर्षित हो जाते हैं। इस प्रकार से उत्सर्जक के पृष्ठ पर प्रकाश पड़ने के कारण बाह्य परिपथ में धारा प्रवाह होती है। हॉलवॉक्स तथा लिनार्ड ने संग्राहक पट्टिका के विभव, आपतित प्रकाश की आवृत्ति तथा तीव्रता के साथ प्रकाश धारा में परिवर्तन का अध्ययन किया। हॉलवॉक्स ने 1888 में इस अध्ययन को आगे बढ़ाया और एक ऋणावेशित जिंक पट्टिका को एक विद्युत दर्शी से जोड़ दिया। उसने प्रेक्षित किया कि जब पट्टिका को पराबैंगनी प्रकाश से किरणित किया गया तो इसने अपना आवेश खो दिया। इसके अतिरिक्त जब एक अनावेशित जिंक पट्टिका को पराबैंगनी प्रकाश से किरणित किया गया तो यह धनावेशित हो गई। जिंक पट्टिका को पराबैंगनी प्रकाश से पुनः किरणित करने पर इस पट्टिका पर धन आवेश और अधिक हो गया।
तो दोस्तों इन सभी प्रेक्षणों से उसने यह निष्कर्ष निकाला कि पराबैंगनी प्रकाश के प्रभाव से जिंक पट्टिका से ऋणावेशित कण उत्सर्जित होते हैं। इसके बाद 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज के पश्चात यह निश्चित हो गया कि उत्सर्जक पट्टिका से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन का कारक आपतित प्रकाश है। ऋणावेश के कारण उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र द्वारा संग्राहक पट्टिका की ओर धकेले जाते हैं। हॉलवर्क्स तथा लिनार्ड ने यह भी प्रेक्षित किया कि जब उत्सर्जक पट्टिका पर एक नियत न्यूनतम मान से कम आवृत्ति का पराबैंगनी प्रकाश पड़ता है तो कोई भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होता। इस नियत न्यूनतम आवृत्ति को दहली आवृत्ति यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं और इसका मान उत्सर्जक पट्टिका के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। दोस्तों विभिन्न प्रेक्षणों में यह पाया गया कि जिंक कैडमियम मैग्नीशियम जैसी कुछ धातुओं में यह प्रभाव केवल कम तरंग दैर्ध्य यानी अधिक आवृत्ति की पराबैंगनी किरणों के कारण हो जाता है, लेकिन लिथियम सोडियम पोटेशियम सीजियम तथा रुबिडियम जैसी क्षार धातुएं दृश्य प्रकाश के द्वारा भी यह प्रभाव दर्शाती हैं। जब इन प्रकाश संवेदी पदार्थों को प्रकाश से प्रदीप्त किया जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज के पश्चात इन इलेक्ट्रॉनों को प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया और इस परिघटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा गया। दोस्तों आज की इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। आज की हमारी इस वीडियो में हमने जाना इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन को, जिसके मुख्य तीन प्रकार होते हैं, तापायनिक उत्सर्जन, क्षेत्र उत्सर्जन तथा प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए हम अगली वीडियो में करेंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रायोगिक अध्ययन। तब तक के लिए गुड बाय। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि डिजिसाथ के आज के एपिसोड में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आइए देखते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। तो आज हमने 10वीं कक्षा में पढ़ा गणित का अध्याय त्रिभुज, साथ ही 10वीं कक्षा के हिंदी में हमने पढ़ा अध्याय एक कहानी यह भी। इसी प्रकार से 12वीं कक्षा में हमने पढ़ा गणित का चैप्टर एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स, साथ ही 12वीं कक्षा में हमने पढ़ा फिजिक्स का चैप्टर विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। चलिए अब हम देखेंगे कि हम कल क्या पढ़ेंगे। तो हम कल 10वीं कक्षा में पढ़ेंगे साइंस का चैप्टर विद्युत, साथ ही सोशल साइंस का चैप्टर मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। इसी प्रकार से हम 12वीं कक्षा में पढ़ेंगे केमिस्ट्री का चैप्टर डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, और फिर हम पढ़ेंगे 12वीं कक्षा के बायोलॉजी का चैप्टर वंशागति के आणविक आधार। एक जरूरी सूचना इस एपिसोड की जो अभी आपने देखी, इसका पुनः प्रसारण YouTube पर किया जाएगा इक्वेशन के चैनल पर ठीक 3 बजे। तो यदि आप इस एपिसोड को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हैं या इसे पुनः देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर DigiSath इक्वेशन सर्च करके आप इस वीडियो तक पहुँच सकते हैं। धन्यवाद।